हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज भाई कुछ यूनिक ब्लॉग लेकर आया तुम्हारा भाई। आज होने वाली है N160 और राइडर 125 की एक ड्रैग रेस। तो चले भाई करते हैं शुरू ड्रैग रेस। जीतने वाली तो है N160 वैसे, क्योंकि 160 है वो, ये 125 है, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेते। साथ में हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है आरएस। अपने आप बताएंगे आरएस भाई। हाँ भाई, हमारा नाम आरएस है और मेरी TVS राइडर 125 है और भाई की है पल्सर N3. आज देखते हैं, वैसे भाई ने बिल्कुल सही कहा कि 125 कंपटीशन में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन देखते हैं, क्योंकि देखो इसका पिकअप थोड़ा हाई है, जो मैंने काफ़ी देखा है कि इसका थोड़ा पिकअप कम है। 80 तक तो मैं कहता हूँ अली भाई कंपेरिजन मेरी बाइक कर सकती है। अच्छा, 80 के बाद मैं कुछ नहीं करता। अगर मेरे को बैट लगानी होगी तो मैं आपसे 60 तक बैट लगा लूँगा कि 60 तक मैं आपको कंपटीशन या 80 तक दे सकता हूँ। अच्छा, तो चलो आरएस भाई ने कह दिया भाई, चैलेंज टाइप का कर दिया है, बोले 80 तक तो मैं आपको भाई एक कंपटीशन दे सकता हूँ, N160 को टारगेट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो चले इस चैलेंज को भाई स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस। तो बने रहे भाई ब्लॉग में, बहुत मज़े आने वाले हैं, लेट्स गो। तो भाई फाइनली आरएस भाई बैठ चुके हैं अपनी राइडर यानी कि TVS, जिसे घोड़ा कहा जाता है, और हमारी बुलबुल साइड से खड़ी हुई है मुँह लटकाए हुए। कोई बात नहीं, चलते हैं। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस। आरएस भाई 3 हॉर्न पे चलना है, ठीक है? तभी लगा लेते हैं हेलमेट स्टेप। 3 हॉर्न पे चलना है, ठीक है? राइडर निकल गई, बुलबुल गई भाई राइडर पीछे। ओए भाई राइडर रे भाई, राइडर ले भाई का ही बुलबुल। ओ भाई 103, अब नहीं आएगी भाई राइडर पास में। ओ भाई, लेकिन भाई राइडर घोड़ा है सच में। स्टार्टिंग पिकअप बहुत हैवी है भाई राइडर का, डर दिया था भाई हमारी N160 को। कितनी गई तुम्हारी? मेरी गई है 93 तक पहुंच गई ना, 103 चली गई थी मेरी। वो तो आगे निकल गए थे, जब मैं सिटी पास से भगा रहा था ना, तो मैंने जब पहले गियर से कराया था मेरी स्पीड ज्यादा थी, थोड़ा इसका पिकअप अच्छा था, मैंने पहले ही बोला हाँ। ये तो है, लेकिन भाई स्टार्टिंग पिकअप बहुत हैवी है। ये मतलब 160 मैंने देखा, जब मैं 70 पे था मैंने देखा इतनी तेज निकली है कि आगे, मैं देख रहा था कि 30-40 पे तो आप पीछे थे, ये तो आपका मन था। हाँ, जोर से दिखाने के लिए एक बार और कर लेते हैं। चले चले भाई एक और, भाई हारिस भाई कह रहे हैं एक और, तो चलो भाई एक और ट्राई करते। चले भाई एक बार और ट्राई करते, हारिस भाई कह रहे हैं। चलो ओ भाई फिर गई राइडर, ओ गई, अब तो गई, अब मैंने गियर ही नहीं डाला। पावर बहुत है भाई राइडर में, पावर बहुत है यार, 125 होने के हिसाब से राइडर में पावर बहुत है। 40-50 मीटर भाई राइडर को नहीं पकड़ पाएगी N160। चले भाई इस बार फिर से राइडर हाथ मार के गई है, अभी नीचे से क्रॉस करके उस वाले रोड पे पहुंचते हैं, फिर लास्ट 3 करते हैं, मतलब 2 हो गए एक और करते हैं। तो भाई अभी हम लेते हैं हारिस भाई की TVS राइडर यानी कि घोड़ा, और हारिस भाई हमारी चलाएंगे N160। तो चले भाई ट्राई करते हैं, जरा हम ही तो देखें घोड़े में इतनी क्या पावर है जो हमारी भाई बुलबुल को काट दे रही है 70-80 की स्पीड तक। हम ही तो देखें राइडर में ऐसा क्या पावर है, पहली बार भाई राइडर पे बैठा हूँ, तो ट्राई करते हैं भाई राइडर को। चले चले फिर ट्राई करते हैं भाई, लेकिन बैठने में पावर फील हो रहा है घोड़े पे तो। ओहो
चले हमारी बुलबुल बैठ गए भाई। ओ भाई बहुत पावर है भाई। ओ भाई राइडर में बहुत पावर है यार। ओ मैं तेरी क्या खींच दी यार मैंने। राइडर में भाई बहुत पावर है। अरे निकल गई बुलबुल। ओ भाई निकल गई बुलबुल। मैंने भाई कम से कम 85-90 तक तो राइडर आगे रही है, उसके बाद बुलबुल का पावर दिखता है भाई। ओहो तो भाई N160 का टोरा 80 स्पीड के क्रॉस करने के बाद ही दिखता है, उससे पहले लेकिन भाई राइडर का पावर बहुत है भाई। बहुत पावर है, बहुत पावर है। स्टार्टिंग पिकअप बहुत हैवी है। तब भी यार भाई बहुत पावर है। स्टार्टिंग 70-80 तक तो समझो छूनी भाई N160। मैंने आपको 70-80 तक इसलिए चैलेंज किया था, मैंने कहा ये 20 है। तो मतलब तुमने ये सब पहले टारगेट सेट करके पकड़ा। देख रहा हूँ भाई अब मैं भी टारगेट भाई चैलेंज कर रहा हूँ 110 तक, लेकिन 110 पे भाई राइडर बेचारी पहुँच नहीं पाएगी, मासूम है। 108 लास्ट मेरा प्यारा बच्चा है स्पीड पकड़ता है भाई। तो ज़्यादा 108-110 लास्ट बहुत प्यार से रखता हूँ। तो कोई नहीं भाई N160 में पावर बहुत है, लेकिन तकरीबन आप मान के चलो 50-60 किलोमीटर के बाद वो 50-60 की स्पीड क्रॉस करने के बाद पावर दिखाती है, और ये भाई स्टार्टिंग 1 से ही पावर दिखा देती है। छोटी है लेकिन भाई पावर बहुत है, दमदार है भाई। अगर ये 200 होती तो और पावर जनरेट। अरे तो उड़ जाती भाई, अगर 200 होती गायब हो जाती, पता नहीं जल्दी कहाँ जैन मंदिर चली गई कब। भाई मेरे को ये बाइक का जो ऊंचाई है और जो बैलेंसिंग है ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि मैं जब रेस जीत गया था हम लोग रोकने वाले थे तब मैंने हैंडलिंग छोड़ी थी, मतलब इतनी अच्छी हैंडलिंग है इसकी और बैलेंस भी अच्छा बन रहा था। हाँ बैलेंस बहुत प्यारा है, अपने हिसाब से चल रही थी गाड़ी। तो चले भाई तीनों बार हारिस भाई चैलेंज जीते हैं, 2 बार राइडर से, 1 बार बुलबुल से। नहीं बुलबुल से हम जीते हैं भाई, इस बार हम जीते हैं। अगर 80 की स्पीड पे भाई देखा जाए तो 3 बार राइडर जीती है, और 80 के बाद क्रॉस करने के बाद देखा जाए तो हमारी भी N160 यानी कि बुलबुल जीती है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको N160 प्लस राइडर 125 की ड्रैग रेस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छे से खूबसूरत से ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है Speed24Hour ब्लॉग जैसा कि ये पर आ रहा है, तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ बाबा, टेक केयर। तो फिर हारिस भाई ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मैं दूसरी बाइक के साथ आपसे रेस करूंगा। मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट टाइम मैं पल्सर 160 लेकर आऊं, ओल्ड मॉडल, ये तो अभी न्यू मॉडल है, मैं ओल्ड मॉडल लाऊंगा। ठीक है, तो अगली बार आरिस भाई लेके आने वाले हैं राइडर की जगह पुरानी वाली पल्सर 160, और नई वाली पल्सर N160 में होने वाली है भाई भिड़ंत। तो बने रहिएगा भाई ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।